हमने आपसे कोई बहस नहीं कर रहे ठीक है, हम एक अच्छे के लिए, वी आर गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज एक्चुअली, दैट इज व्हाई आई केम हियर। Check up by Mr. Kaffa Kalman Singh, welcome back to your YouTube channel. रात के बजे हुए 12 और अभी हम हैं कहाँ पे? ये मैं आपको जो बता रहा था कि रात को ही हम ये कैस्टर रॉक पे हैं। अभी हमारा निकलने का टाइम आ गया, हमने कहा था कि 2:30 बजे ट्रेन है, 2:30 बजे वाला हम अगर करते तो लेट हो जाते, हमें निकलना है 1 बजे की ट्रेन पे। अभी 12 नहीं बजे हुए, 1 बजने वाला है, 20 मिनट मतलब कम है 1 बजने को। सो अभी हम हॉस्टल पे रुके हुए थे, वहाँ पे ही मैंने आपको रात करती, वहाँ से ही अभी हमारी तैयारी हो गई, हम निकल पड़े हैं दूध सागर के लिए, जो कि फेमस वाटरफॉल है कर्नाटका और गोवा की बॉर्डर पे। ये हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, ये है कैस्टल रॉक। तो जनाब हम कैस्टल रॉक रेलवे स्टेशन पे पहुंच के, जहां से हमें ट्रेन पे बैठना है, टिकट भी बुक हो गई है, 1 बजे ट्रेन आएगी यहां पे प्लेटफॉर्म पे, और यहां से ना तकरीबन 1 घंटा लग जाता है कहां पे, दूध सागर रेलवे स्टेशन तक। सो फिलहाल तो हमारे साथ कुछ लोग गए हुए थे दूध सागर, तो वापस बेंगलोर जा रहे हैं। हाय, बेंगलोर वापस जा रहे हैं, और इन सब में मेरा एक फेवरेट सब में मेरा फेवरेट अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे जनाब, जनाब दर्शन ये शर्मा रहे हैं, एक्चुअली अपना फेस दिखाना नहीं चाह रहे। हैप्पी जर्नी, ओके विक्ट्री विक्ट्री हमने आपसे कोई बहस नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ठीक है, हम एक अच्छे के लिए, वी आर गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज एक्चुअली, दैट इज व्हाई आई केम हियर, ट्राइंग टू सी द एक्चुअल सिचुएशन, दैट हाउ इज द सिचुएशन इज देयर। एक बार ऑफिसर से तो बात करनी चाहिए आप लोगों को, हां चाहिए, दैट्स व्हाट वी कैन टॉक। मान लो कहीं पे आप लोगों को एक जगह बंद किया रखा है, वहां तो वहां जाके जो जवान ड्यूटी ले उनसे बात करने से पहले अधिकारियों से बात करो, क्या भाई क्यों नहीं जा रहे, हम लोग बात करके आ रहे हैं अभी, वही बोल रहा हूं ना, किस बात कर रहे हैं अभी, उधर हम लोग रेलवे के ऑफिसर से आपने बात सर, आरपीएफ वाले सर, जयवंत वाले किससे, जयवंत सर कोई अधिकारी नहीं है किधर, आपको कोई सुपीरियर ऑफिसर से बात करनी चाहिए। एक मिनट, हम लोगों को दो तरफ से मतलब परमिशन मिला था, एक है गोवा से, एक है कर्नाटका से, मतलब हम लोगों को लेटर कल आने वाला था, हम लोग क्या किया, चलो ठीक है हमको मैसेज आ गया, हम लोग आया है बस। आप हमारा न्यूज़ चैनल में डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं हमारा। अच्छा जनाब, हम तो अभी तो एक सर पुलिस वाले मिल गए थे यहाँ पे, वो हमें अलो नहीं कर रहे थे, तो उनको हमने एक्चुअल बात बताई कि हमें देखने का मेन मोटिव हमारा नहीं है, तो हम ये जानना चाहते थे कि वहाँ पे दूध सागर पे जाना अलाउड क्यों नहीं है एक्चुअल में। सो ऐसा है कि वहाँ पे दूध सागर में ना कुछ प्रॉपर जगह नहीं है रुकने के लिए, या कुछ वहाँ पे लैंड वगैरह वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुश्किल होता है, काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर जान को ख़तरा होता है, तो वहाँ के लिए अलाउड है जो लोग नहीं है। सो वही रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 2 AM, सो वी आर वेटिंग समवेयर हियर। ये कुछ चर्च है, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया सर, आप यहाँ पे कुछ जॉब करते हो क्या है? पुलिस में आप? बट रेलवे में? ओके अच्छा जनाब, सुबह के बज चुके हैं 6:30 कुछ ऐसा टाइम है, मैं बार बार फ़ोन निकाल के नहीं देख पाऊँगा। सो मैं बता रहा था आपको कि हम थोड़ी देर चर्च में रुके थे, चर्च में रुकने के बाद हम आगे थे यहाँ पे बिल्कुल वाटरफॉल के पास, सो वहाँ बैठे रहे और थोड़ी सी नींद आ गई थी तो मैं सो गया था। अभी हम उठ गए सुबह सुबह क्योंकि हमारी ट्रेन है 8 बजे, 8:30 बजे वापस निकलने के लिए, जहाँ से हम आए थे हमें वहाँ पर वापस जाना है। सो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस वाटरफॉल की, इस दूध सागर की। दूध सागर ना आना अलाउड नहीं है यहाँ पे, कोई अलाउ नहीं करता है यहाँ पे आपको, अगर आपको पुलिस वाले पकड़ते हैं, उनको पता चलता है कि आप दूध सागर के लिए जा रहे हो, तो आपको फ़ाइन हो सकता है, और वो इसलिए फ़ाइन करते हैं, वो इसलिए मना किया हुआ है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि इंसिडेंट्स हो सकते हैं, बंदा गिर सकता है, डूब सकता है, कुछ जगह ही ऐसी है, यू नो यू विल फील बाई कमिंग हियर, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, कोई वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, दूध सागर का कोई प्रॉपर रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पे आप उतरो,
सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ट्रेन रुकती है और आपको उन 30 सेकंड्स में उतरना होता है। तो मैं तो रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, मेरा मोटिव है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताना, लेकिन जगह बहुत प्यारी है। अगर आप फिर भी आना चाहो तो आप आ सकते हो, ट्रेन से आ सकते हो, बाकी इसका कोई भी रूट बाइक से या फिर यू नो व्हाट वी से कार से आप नहीं आ सकते हो, बाई वॉक आप आ सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं आपको इस वाटरफॉल का फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। पहले मैं पास था, 1 किलोमीटर आगे चल के इसलिए आया हूँ क्योंकि फ्रंट व्यू आपको मैं दिखाना है। फ्रंट व्यू बहुत मज़े का है। फ्रंट व्यू दिखाने के बाद मैं पास जाके आपको ये वाटरफॉल दिखाता हूँ। ये है जनाब रेलवे ट्रैक और मेरा कैमरा जा रहा है अभी आपको दूध सागर दिखाने का। देखते रहिए। वाओ, ये बिल्कुल सुबह का व्यू है जनाब और देख लो कितना मजे का है। ये आपको नीचे जो दिख रहा है ना, ये रेलवे ट्रैक है और ये है दूध सागर। अच्छा जनाब, हम बिल्कुल वाटरफॉल के पास आ गए। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो हमारा रेस्ट रूम था जिस पे हम बैठे हुए थे, थोड़ा सा सोए थे, तो ये था यहाँ पे। ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा बैठने की जगह है यहाँ पे। पहले अच्छा खासा मेला लगता था यहाँ पे, जैसे शरद भाई बता रहे थे, लेकिन अभी इसको ना टोटली बैन कर दिया है। कुछ एरिया सेफ नहीं माना जाता है, कुछ ऊपर भी थे बंदे, कुछ नीचे भी थे, मैं इस जगह पर था। सो अभी फ़िलहाल रेलवे ट्रैक से चलते चलते, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई गाड़ी नहीं आती है यहाँ पे, सिर्फ रेल आती है, ट्रेन आती है। अच्छा, ये रहा बिल्कुल वाटरफॉल। पहले तो आपको मैंने दूर से दिखाया था, अब मैं बिल्कुल पास हूँ। ये है रेलवे ट्रैक और ये है जनाब वाटरफॉल। वाओ, ये देख लो यार। आगे जाना है बोर्डिंग के लिए। हाँ, बोर्डिंग के लिए आगे जाना पड़ेगा। आपका किधर से रिजर्वेशन? इधर नहीं है, कॉलम में है ना आपका। हाँ, फिर इधर कैसे जा रहा है? हमें वहाँ से बोर्ड अप करना है ना। इधर कैसे बोर्ड अप करता है? वो डोंट नो एक्चुअली वेयर इज द नहीं, आप कॉलम में जाना पड़ेगा, आपको ट्रेन मिलना है तो। और टिकट उधर से है ना बोर्डिंग आपका, उधर ही जाना पड़ेगा। सर हो गया तो जनाब, जाते आई एम नॉट फ्रॉम मुझे यहाँ पे कुछ कर्नाटका से कुछ दोस्त वगैरह मिल गए, एंटरटेन चल रहा था शरद भाई के साथ, तो सोचा मैं भी थोड़ा सा इनको एंटरटेन करवा देता हूँ। आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इट इज सरप्राइज फॉर यू। बम्बे जनाब, मैं आपको जैसे पहले ही बता रहा था कि कोई भी एक स्पेशल या स्पेसिफिक स्टेशन नहीं है इस दूध सागर वाटरफॉल का। तो हमें ना दूध सागर वाटरफॉल के पास थोड़ा सा 30 सेकंड्स या 2 मिनट्स के लिए ट्रेन रुकती है और हमें उतरना होता है। तो हम उतर तो गए थे वहाँ पे, लेकिन पुलिस वाले आ गए बाद में, उन्होंने हमें भगाया वहाँ से और वहाँ से हमें बोर्डिंग नहीं करने देंगे नेक्स्ट ट्रेन के लिए वापस जाने के लिए। तो हम निकल पड़े एक और स्टेशन जो कि नियर बाय आता है यहाँ पे,
उस स्टेशन से हम बैठेंगे वापस अपने घर पे, मींस जहाँ पे हम रुके हुए हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूध सागर आपको अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, मैं अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें आप। मैं मिलता हूँ कल एक नए एडवेंचर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, अपनी फैमिली का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान, मेरा ध्यान भी। बाय।